हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग, आज है 3 मार्च और हम लोग अभी जा रहे हैं टाटा पार्क घूमने के लिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग का काम होता है। चलिए आप लोग दिखाते हैं। ये अभी ग्रीन टेम्पलर पार्क हल्का फुल्का सजाया गया है, तो हम लोग टाटा पार्क जा रहे हैं, बड़ा वाला, ठीक है। तो और भाई लोग, और एक बात कि आप लोग 1K सब्सक्राइबर करा दियो मेरे जान। थैंक यू दिल से। ओके, चलिए अब टाटा पार्क जाके आप सुनो। फाइनली हम लोग 2 नंबर गेट पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं क्राउड, ठीक है। तो चलिए अब अंदर घुस के आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहना। जो भी सब मुंह पे पीछे से दोस्त हैं। भाई क्राउड देखो, भाई क्राउड क्राउड क्राउड, ड्रामा ही ड्रामा है, जिंदगी पिक्चर है दोस्त। फाइनली भाई लोग, अब आप लोगों को दिखाते हैं लाइटिंग। तो भाई लोग, फाइनली हम लोग अंदर घुस चुके हैं, ठीक है। और देख सकते हैं एक वाटरफॉल इधर है और आगे तरफ भी है। तो ये 3 मार्च को ही चालू होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छा से देखा। हम लोग और आगे तरफ आते हुए और इस साइड में और एक छोटा सा वाटरफॉल देख सकते हैं और उधर एक बड़ा सा है, उधर भी जाएंगे। और देखो भाई लाइटिंग का काम। फाइनली भाई लोग, मोहित का हाथी दिख गया, इस साइड में फिर से देखो हाथी कोई एंगल से लग रहा, तो भाई बताना साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके, ठीक है। और उधर है वाटरफॉल, कितना जबरदस्त। तो बने रहना वीडियो में। और मोहित हाथी की सवारी करेगा ना? हाँ, अगले साल करेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर कितना जबरदस्त लग रहा है यार, लोकेशन देखो यार, पूरा मतलब दिल खुश। चलो टाटा का आप लोगों को स्टेचू दिखाते हैं। चलो गाइस, देख सकते हैं व्लॉग बनाना है, बाबू यहाँ रील बना रहे, देख रहे ना, इनको ताले को ऐसे कूद है, देख रहे हैं ये सब आदमी चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। व्लॉग का नाम पे यहाँ आकर रील बना रहे थे, सब मुजरा करेगा ये सब, समझे ये देश को ये लोग तरक्की देगा। ये आदमी खराब कर रहा, देख सकते हैं ये आदमी खराब कर रहा, हाथ रखे तो मुस्कान दिखे लड़का का। फाइनली आप लोगों को द्रौपदी जी टाटा का स्टेचू पास लेके जा रहे हैं। तो भाई लोग कितना जबरदस्त लग रहा है, देख सकते हैं लाइटिंग का काम यहाँ पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं इस साइड भी मतलब पब्लिक से भरा हुआ चारों तरफ, और लाइटिंग का काम तो जबरदस्त किया भाई लोग, और जमशेदपुर में इससे भी जबरदस्त होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब आप लोगों को आगे का व्यू दिखाते हैं, और एक बड़ा सा वाटरफॉल उधर जाएंगे, उसके बाद उधर जाएंगे। रंगुआ में शामिल तेरा प्यार है,
भाई लोग इतना ज्यादा लाइटिंग का काम, इतना ज्यादा लाइटिंग का काम किया गया है कि आप लोग क्या देखा है यार, देखा देखा के हमको लगता है पूरा वीडियो ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हल्का फुल्का ले रहे हैं, ठीक है। और चलते हैं सबसे बड़ा वाटरफॉल आप लोगों को दिखाते हैं, तो झरना भी बोलते हैं। चलिए तो फाइनली देख सकते हैं एस के जी भी हम लोग के साथ मिल सकते हैं, हमारे चाचा, और मतलब कुछ बोलना चाहते हैं? नो कमेंट, नो कमेंट, बस फाइनली हम लोग बड़ा वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये रहा। और चलिए आप लोगों को बड़ा वाटरफॉल को अच्छा से देखा। ये बड़ा वाटरफॉल के पास बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है, पानी हल्का हल्का आ रहा है इस साइड, ठीक है। और चलिए आप लोग दिखाते हैं मोहित का प्रजाति, दिखाते हैं हम लोग यही लड़का का प्रजाति आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, ये रहा ये मोहित का प्रजाति। मोहित बात कर रहे, थोड़ा सा बात कर। हेलो हेलो अब हम लोग जा रहे हैं सबसे ऊपर, और ऊपर सब अच्छा से व्यू दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ब्लॉग एंड करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं अच्छा से पूरा फुल ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू कि चलिए तू, कि चलिए तू, कि चलिए। फाइनली भाई लोग आप लोगों को लाइट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और 3 मार्च को ही होता है यहाँ बहुत ही अच्छा लाइटिंग का काम, और इस साल और अच्छा हुआ है, और वीडियो में बने रहना। और चलो अब अपना थोड़ा पोज मार देते हैं, उसके बाद चलेंगे। सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का, ओके। तो फाइनली भाई लोग हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और इसीलिए हम लोग इधर बैठे हुए हैं, अभी इधर मोहित बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से भाई बहुत ही अच्छा मतलब व्यू लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, देखो कितना ज़्यादा जबरदस्त लग रहा है देखो। तो भाई साल में एक ही बार 3 मार्च को ही हमारे टाटा पार्क सजता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत दिन के बाद सजा, लॉकडाउन में तो बंद था पार्क। और मेरा सुबह का अगर अच्छा से डिटेल का भी ब्लॉग है मेरे पास, ठीक है, वो इसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। और हम लोग थोड़ा देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद जब घर जाएंगे तब ब्लॉग शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते रहो। तो फाइनली हम लोग घर की तरफ जाते हुए, ठीक है, और आप लोग का बच्चा का जो फेवरेट जो मेरा ब्लॉग में कमेंट आते रहता है, भाई मिक्की माउस है कि नहीं, मिक्की माउस है कि नहीं, तो ये रहा मिक्की माउस। चलो सामने से दिखाते हैं। फाइनली हम लोग जाते हुए घर की तरफ, ठीक है, तो अब हल्का फुल्का व्यू आप लोग को दिखा देते हैं, पार्क से बाहर निकलते हैं, तो आप लोग के साथ मिलते हैं। जिसे मेरी चाहत, जिसे मुझे बस नहीं रह जाना, लगी है तेरी आदत मुझे जब से तेरे बिन को। फाइनली भाई लोग हम लोग पार्क से निकल चुके हैं, ठीक है, ये रहा 2 नंबर गेट, ठीक है, नहीं 1 नंबर गेट। और अब कुछ खा लेते, बहुत ज़्यादा भूख लगा, उसके बाद चल जाएंगे घर। और उसके बाद रोड के किनारे किनारे लाइटिंग भी किया हुआ है, वो सब भी दिखाएंगे, उसके बाद ब्लॉग एंड करते हैं, तो वीडियो बने रहेंगे। तो फाइनली भाई लोग हम लोग चोकोबार आइसक्रीम खरीद चुके हैं, ठीक है, अब खाते खाते चलते हैं घर। और देख सकते हैं साइड पर कितना ज़्यादा लाइटिंग किया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कवाल मेरे सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का, अगले वाले को भी गलती ब्रो, मैंने बॉम्बे में बस जाए बच्ची को, इधर फायर हो गई मेरी गलती ब्रो, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, अगर मैं हो गया गरीब, करता मैं बस्ती को, भटवे कर
rapper nahi gangster re, tu rapper nahi dancer re, I think tu gaane la rawa sab re, tu shaay se actor re, main jaane ka dost log ke matter mein,